हेलो फ्रेंड, आज एक ट्रेलर लॉन्च हुई है जिसका नाम है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हम आपसे अपील करते हैं कि ये ट्रेलर आप भी देखें और इस पे कांग्रेस सरकार क्यों टांग अड़ा रही है ये बात का भी ध्यान दें पूरी तरह से कि ये फिल्म में क्या दिखाया गया है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का ट्रेलर ही लॉन्च होने में इसे प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर अगर फिल्म लॉन्च हो जाती है तो क्या हकीकत दिख जाएगा कांग्रेस के बारे में। आइए हम इस ट्रेलर को देखते हैं। इसमें मनमोहन सिंह का रोल अनुपम खेर निभा रहे हैं। चलिए देखते हैं ये ट्रेलर कैसा है। मुझे तो डॉक्टर साहब भीष्म जैसे लगते हैं, जिनमें कोई बुराई नहीं है, पर फैमिली ड्रामा के विक्टिम हो गए। महाभारत में दो फैमिलीज थी, इंडिया में तो एक ही है। सोनिया गांधी जी ने जो फैसला लिया है उस पर आपकी राय क्या है? सोनिया जी मेरी माँ है, बहुत गर्व है उन पर। अगर मैं इस पोजीशन में होता मैं तो नहीं कर पाता। प्रधानमंत्री पद के लिए मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को चुना है। आई मनमोहन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। 100 करोड़ की आबादी वाले देश को ये गिने चुने लोग चलाते हैं, ये देश की कहानी लिखते हैं और मैं उनकी कहानी लिख रहा हूँ। ये कौन है जो कांग्रेस की कहानी लिखते हैं? चलिए इन्हें भी जानेंगे, लेकिन पहले ट्रेलर देखिए। पीएम के लिए काम करता हूँ, पार्टी के लिए नहीं, लेकिन पीएम तो पार्टी के लिए काम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर को क्या करना है ये एनएसी तय करेगी। इनकी समझ में आया ना? पीएमओ मींस बिजनेस। ना 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 सर, द डॉक्टर सिंह मींस बिजनेस। देश के विकास के लिए बेचूंगा। मैं कश्मीर का हल ढूंढना चाहता हूँ। अगर आप पाकिस्तान के साथ शांति का समझौता करेंगे तो नए प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे? पूरी दिल्ली के दरबार में एक ही तो खबर थी कि डॉक्टर साहब को कुर्सी से कब हटाएंगे और कब पार्टी राहुल जी का अभिषेक करेगी। अब लड़ाई पीएम वर्सेस पार्टी बन गई थी। चुनाव अभियान राहुल लीड करेगा। सर यही मौका है आपको अपनी अथॉरिटी दिखाने का। ये जीत आपकी जीत है, ये पीएमओ आपका टर्फ है। और कितना बदनाम करेगी पार्टी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, मुझे अपने काम से मतलब है, क्योंकि मेरे लिए देश पहले आता है। मैं रिजाइन करना चाहता हूँ। एक के बाद दूसरा करप्शन स्कैंडल इस माहौल में राहुल कैसे टेक ओवर कर सकता है? समझ में आया ये फैमिली ड्रामा? नहीं समझ में आया तो हम बताते हैं। ये जो फैमिली ड्रामा है यही हकीकत में कांग्रेस है। कांग्रेस कोई पार्टी नहीं, एक फैमिली का नाम है जिसे कहते हैं नेहरू परिवार, लेकिन गलती से इसमें गांधी जी का शब्द लग गया है। ये मूवी तो हिट होके रहेगी, लॉन्च भी होगी, सिर्फ आपके रिव्यू की ज़रूरत है और आपके शेयर की ज़रूरत है। और इसमें ये सब कुछ दिखाया गया है कि राहुल गांधी क्या करेगा अगर आप ये काम कर दें तो। ये मनमोहन सिंह को बोला जा रहा है सोनिया गांधी की तरफ से। चलिए देखते हैं, ये तो काम अब रहा नहीं, 2014 में आ गए अब बहुत बड़े अच्छे आदमी, जो कि राहुल को मौका नहीं दिया गया ये सब अच्छे अच्छे काम करने का। अब अच्छे दिन तो आ ही गए हैं, मतलब अच्छे काम अगर गलत नहीं कर रहे हैं तो अच्छे दिन आ ही गए हैं ना। चलिए धन्यवाद, आप भी ट्रेलर देख लीजिए अच्छी तरह से। ट्रेलर का नाम है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया।
द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इंडिया ने ऐड किया है, लेकिन ये मूवी उसी के नाम से है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। बहुत अच्छी स्टोरी है, शायद होगी, हमें तो पता नहीं है स्टोरी क्या है, लेकिन हम तो पक्का ये फिल्म देखने हॉल ही जाएंगे, क्योंकि फिल्म की पब्लिसिटी तो मिलेगी जम के, क्योंकि बहुत सारे लोग ये फिल्म देखेंगे। हम आपसे भी, आपकी राय आप ही जाने, आप क्या करने वाले हैं, लेकिन हम तो ये फिल्म ज़रूर देखेंगे। कब लॉन्च हो रही है ये डेट नहीं देखे हैं, हम देख के हम तो पक्का जाने वाले हैं। थैंक यू, चलिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।